हेलो दोस्तों, मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवी क्रिएशन DIY में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा कुछ न कुछ सेहत से रिलेटेड वीडियोस लेके आती रहती हूँ, तो उसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आज का हमारा जो वीडियो है वो है कि मक्खन मिश्री में ऐसे कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए, हमारे सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं और हमें उन्हें क्यों खाना चाहिए। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये हमारी आंखों को कैसे फायदा पहुंचाता है। मक्खन मिश्री में कैरोटीन विटामिन बी पाया जाता है जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इसलिए हमें खाना चाहिए ताकि इससे खाने से हमारी आंखें स्वस्थ रह सकें। एक ऐसी समस्या है जिसे ये दूर करती है, जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं जी, उसको लोग बवासीर बोलते हैं। अगर आप मक्खन मिश्री को एक साथ खाते हैं तो इससे बवासीर जैसी प्रॉब्लम भी दूर होती है। आप इसमें भी मक्खन मिश्री का सेवन एक साथ कर सकते हैं और ऐसी तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। मक्खन और मिश्री दोनों ही पेट के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। अगर खाना खाने के 10 मिनट बाद हम मिश्री का सेवन करते हैं तो इससे पेट अच्छा रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है और मक्खन भी पेट के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। अगर आप मक्खन का सेवन रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो ये पेट को अच्छा रखता है और पाचन तंत्र को भी अच्छा बना के रखता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये हमारे हड्डियों को कैसे तंदुरुस्त करते हैं। तो मक्खन मिश्री में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत करते हैं और हड्डियों में होने वाले तकलीफों को ये दूर रखते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको हड्डियों से रिलेटेड है तो आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो भी आप इसका इस्तेमाल बराबर कर सकते हैं ताकि कोई तकलीफ आपको आगे फ्यूचर में हो भी ना। इन सब के अलावा इसको दिमागी विकास के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इससे अगर आप बच्चों को प्रॉपर तरीके से देते हैं तो बच्चों के जो दिमागी विकास है बहुत तीव्रता के साथ होता है और साथ ही साथ ये लंबाई को भी इफेक्ट करता है। अगर आप बच्चों को इसको प्रॉपर देंगे तो बच्चों की लंबाई भी अच्छी होती है। ये तो हो गया सेहत से रिलेटेड बातें। मक्खन और मिश्री में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका सेवन हम सभी को करना चाहिए ताकि किसी भी छोटी मोटी बीमारियों से हम दूर रह सकें और इसी तरीके से हम अपने सेहत को अच्छा बना के रख सकें। ये बातें हो गई सेहत की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्किन की। अगर मक्खन और मिश्री का इस्तेमाल आप स्किन पे करते हैं तो इसको फेस पे ग्लो लाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन दोनों को मिक्स करके आप फेस पैक की तरीके से इसको इस्तेमाल करिए और फेस पे इसके बाद जो ग्लो आएगा वो खुद ही देख लीजिएगा। तो ये बातें हो गई मक्खन और मिश्री के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मक्खन और मिश्री भगवान श्री कृष्ण को कितना प्रिय है। तो अगर भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी, ये तो सभी को मालूम था। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ये हमारे हेल्थ को भी अच्छा रखता है, हमारे स्किन को भी अच्छा रखता है, सभी को नहीं पता रहा होगा। तो चलिए अभी आप सभी को पता चल गया है तो इसका फ़ायदा उठाइए और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं फ्रेंड्स, फैमिली, सबके साथ। धन्यवाद।